हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर राहुल रेवल सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। राहुल रेवल ने 1980 में आई मूवी गुनहगार से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, परवीन बॉबी, राजेंद्र कुमार और रंजीत शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1981 में राहुल रेवल की मूवी आई बीवी ओ बीवी। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, रणधीर कपूर, पूनम ढिल्लों, योगिता बाली, सिमी गोरेवाल और ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल राहुल रेवल की मूवी आई लव स्टोरी। इस मूवी के लीड कास्ट में कुमार गौरव, विजेता पंडित, राजेंद्र कुमार और डैनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1983 में राहुल रेवल की मूवी आई बेताब। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, अमृता सिंह, शम्मी कपूर, निरूपा रॉय और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,87,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,60,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1985 में राहुल रेवल की मूवी आई अर्जुन। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, टिम्पल कपाड़िया, राज किरण और अनुपम खेर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 1986 में राहुल रेवल की मूवी आई समुंदर। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, पूनम ढिल्लों, अनुपम खेर और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1987 में राहुल रेवल की मूवी आई डकैत। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, सुरेश ओबेरॉय, मीनाक्षी, राखी, अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1990 में राहुल रेवल की मूवी आई जीवन एक संघर्ष। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, राखी, अनुपम खेर और परेश रावल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1991 में राहुल रेवल की मूवी आई मस्त कलंदर। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अनुपम खेर, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राहुल रेवल की मूवी आई योद्धा। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, संजय दत्त, संगीता बिजलानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,85,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,60,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,35,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1992 में राहुल रेवल की मूवी आई बेखुदी। इस मूवी के लीड कास्ट में कमल साधना, काजोल, तनुजा, कुलभूषण और राजेंद्र नाथ शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1994 में राहुल रेवल की मूवी आई अंजाम। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और दीपक तिजोरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,65,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,98,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,66,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1997 में राहुल रेवल की मूवी आई और प्यार हो गया। इस मूवी के लीड कास्ट में बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय, शम्मी कपूर और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 7,25,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,48,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1999 में राहुल रेवल की मूवी आई अर्जुन पंडित। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, आशीष विद्यार्थी, सुरेश शुक्ला और अनु कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 9,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 11,43,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 2001 में राहुल रेवल की मूवी आई कुछ खट्टी कुछ मीठी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, काजोल, ऋषि कपूर और रति अग्निहोत्री शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,55,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2005 में राहुल रेवल की मूवी आई
जो बोले सो निहाल। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल, शिल्पी शर्मा और कमाल खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रहा। भारत में कमाई 8 करोड़ 21 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14 करोड़ 81 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2007 में राहुल रेवल की मूवी आई बुड्ढा मर गया। इस मूवी के लीड कास्ट में अनुपम खेर, ओम पुरी, परेश रावल और राखी सावंत शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 94 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ 50 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही और यही अब तक की राहुल रेवल की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी रही है। दोस्तों, आज हमने आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर राहुल रेवल सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको राहुल रेवल सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।